उपेंद्र कुशवाहा जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन पाए, लेकिन बीते दिन हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल जदयू ने अपने संविधान में बड़े बदलाव किए हैं। अब फर्स्ट बयान ने सबसे पहले आपको ये खबर बताई थी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है, और इसको लेकर के लगातार सियासत तेज थी। अब जदयू ने अपने संविधान में कुछ बदलाव किए हैं। फर्स्ट बिहार ने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जेडीयू के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है। इस खबर के बाद लगातार कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सियासत गर्म रही थी। अब जदयू ने अपने संविधान में बदलाव किया है। जनता दल यूनाइटेड के संविधान की धारा 28 में संशोधन किया गया है। कार्यकारिणी ने इस संशोधन पर अपनी मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। संशोधन के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे या किसी अध्यक्ष या सदस्य को इसके लिए मनोनीत करेंगे। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि कुशवाहा तकनीकी तौर पर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही ये भी तय हो गया है कि अब लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नए नेता का चयन होगा। ललन सिंह अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिहाजा वो संसद में दल के नेता नहीं रहेंगे। सूत्रों की माने तो पिछड़ा या अति पिछड़ा तबके से आने वाले किसी सांसद को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। चंदेश्वर चंद्रवंशी का नाम लोकसभा में संसदीय दल के नेता के तौर पर सबसे आगे माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो पिछड़ा या अति पिछड़ा तबके से आने वाले किसी सांसद को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। चंदेश्वर चंद्रवंशी का नाम लोकसभा में संसदीय दल के नेता के तौर पर सबसे आगे माना जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि पहले ये था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होता है, लेकिन अब जदयू ने अपने संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उस बदलाव के अनुसार उसमें संशोधन किया गया है संविधान में, जिसके मुताबिक अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष दोनों अलग अलग व्यक्ति होंगे। बीते ही दिन आपको बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और ललन सिंह जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। फर्स्ट बिहार ने सबसे पहले ये खबर आपको बताई थी कि ललन सिंह ही जो सांसद हैं वही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, और बीते दिन इस खबर पर मुहर लग गई और ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब जो सियासत थी वो इसको लेकर गर्म थी कि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए जदयू ने अपने संविधान में बड़े बदलाव किए हैं। फिलहाल लेता ही आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।